का बायोप्रोडक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक गैस सिस्टमिक एसिड क्लास है, कहता है इसकी जो मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी मिक्सचर होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का भी मिश्रण होता है। कहता है 95% से हमें कम होना चाहिए और 100.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे कहता है पहले कि जो वेट है 58.397 ग्राम प्रति मोल होता है, का भाग मतलब कह सकते हैं कि 58.31 ग्राम के आसपास में जाता है और ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है एमजी कोएच वाइज होता है। आगे देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, क्लियर, ठीक है, और सोडियम सल्फेट दे रहा है। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये देखने में व्हाइट कलर होता है, ये कहते हैं ये कभी कभी ज्यादा गाढ़ा हो सकता है, ज्यादा विस्कस भी हो सकता है और कम भी हो सकता है एज ए सस्पेंशन, सस्पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। आगे की बात करेंगे ये ऑटोलाइज होता है, मतलब गंध नहीं, मतलब कोई बदबू में नहीं आती है। यूज की बात करेंगे एनहांस सिस्टमिक एसिड में यूज करते हैं और माइल्ड कैथेटिक में यूज करते हैं। माइल्ड कैथेटिक का मतलब ये होता है अगर आंत में बावल पूरी, जैसे क्या होता है आप माइल्ड कैथेटिक का मतलब कह सकते हैं कोई अगर कब्ज आपको बनी हुई है तो आंतों से क्या करता है उसका सफाया करता है। कहता है कैथेटिक का मतलब ये होता है, कैथेटिक का मतलब अगर आप कहें इवैक्यूएशन ऑफ बावल, बावल फ्रॉम द इंटेस्ट टाइम, कहता है आंतों से किसी भी कब्ज को साफ करना, इवैक्यूएट करना, मतलब तुम्हारा मला से बाहर निकालना, उसे बोलते हैं कैथेटिक। लेकिन माइल्ड, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का, क्लियर। आगे की बात करते हैं इनका उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेस देन उपयोग किया जाना चाहिए। अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपको किडनी स्टोन काज करेगा। तो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कैथेटिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।